नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आगरा यूनिवर्सिटी की एक अपडेट के बारे में। तो ये जो अपडेट आ रही है वो आपके री एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है, साथ ही साथ आपके मेन एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड अपडेट है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है वो 29 तारीख से स्टार्ट हो गए थे। तो अपडेट को अगर मैं आपको दूँ, उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपके सेमेस्टर जो एग्जाम है वो 29 तारीख से चल रहे हैं, 29 तारीख से स्टार्ट हो गए थे। तो अपडेट ये है कि आपके जो सेमेस्टर के जो मेन एग्जाम के फॉर्म है वो इस वीक में बोर्ड आपकी जो यूनिवर्सिटी वो जारी कर देगा, ठीक है। साथ ही साथ री एग्जाम के बारे में अपडेट ये है कि री एग्जाम आपके मेन एग्जाम के साथ होंगे। तो जिसने अभी तक री एग्जाम के फॉर्म नहीं भरे हैं वो अपने कॉलेज में जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके री एग्जाम के फॉर्म है वो भरवाए जा रहे हैं, ठीक है। उनके जो री एग्जाम के जो फॉर्म है वो मेन एग्जाम के साथ ही होंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एक मैसेज और करते कि बी एड का जो री एग्जाम है वो कब होगा। तो देखो, बी एड का आपका जो री एग्जाम है वो आपकी जब बी एड के मेन एग्जाम जब होंगे तब आपको बीएड का री एग्जाम भी तभी साथ ही साथ में कराया जाएगा, ठीक है। और अगर पैटर्न की बात करें री एग्जाम की, तो री एग्जाम का पैटर्न मेन एग्जाम जैसा होगा वैसा ही आपका री एग्जाम का पैटर्न होगा। ये जब पता चलेगा जब आपकी डेट शीट आ जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए वेट कीजिए, आपका जो मेन एग्जाम की जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो इस वीक में जारी कर देगा आपका यूनिवर्सिटी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।